देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर ये गर्मी लोगों को सताएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के पार होता फिर दिखेगा, जिस कारण लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान जहां 25 डिग्री रह सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान 41 तक जा सकता है। वहीं कल ये तापमान और बढ़ते दिखाई देगा और 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम में कई बदलाव हो सकते हैं। इस बीच शुक्रवार को भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदला है। राज्य में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज के तापमान पर नजर डालें तो यूपी में आज अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री रह सकता है। वहीं राजस्थान में मौसम विभाग ने 7 मई से पूर्वी राजस्थान में लू चलने की आशंका जताई है। जयपुर सहित कुछ स्थानों पर 10 मई से गर्मी की लहर चलने की संभावना है। आज राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह मौसम के बने रहने के अनुमान जाहिर किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में आज से अगले एक हफ्ते तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तापमान लगातार 40 डिग्री के पार रहेगा और हीट वेव लोगों को झेलनी पड़ सकती है। आज पंजाब के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तो अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक रह सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई है। इसकी वजह से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से मौसम में कुछ सुधार होने की संभावना जताई है। राज्य के अधिकतर जिलों में आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।